जरूरी नहीं है कि आप सब फील्ड में अच्छे हो, पर कोई ऐसा भी तो फील्ड होगा जहाँ आप सबके बाप। सो हेलो गाइस, मेरा तला से दूर आप देख रहे हैं आपका चैनल जो छोटी से। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.2 का सॉल्यूशंस। ओके, तो इसी वाला वीडियो में इसका फास्ट वाला क्वेश्चन करने वाले। ओके, तो आइए देखो फास्ट वाला क्वेश्चन में क्या कहा है। एक्सप्रेस इस नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर, यानी हमें इन जितना भी नंबर दिए हुए इनका हमें फैक्टर निकालना है। कौन सा फैक्टर निकालना है? प्राइम फैक्टर, यानी इसको हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना है ना। प्राइम फैक्टर निकालना का मतलब क्या है? प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं करना मतलब इसका मतलब हमें यहाँ पे इनडायरेक्टली कहा है प्राइम फैक्टर, है ना। लेकिन इसका असली मतलब क्या है? प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं करना है हमें, है ना। और प्राइम फैक्टराइजेशन हम इसका जो मतलब एससी वाला वीडियो था, इसका जो मतलब इंट्रोडक्शन वाला वीडियो था, उसमें आपको ऑलरेडी पता है इसको प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में। कर लेते हैं 140 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 7 140 35 75 7 35 71। तो देखो 140 का प्राइम फैक्टर कौन कौन सा हो गया? 2 × 2 × 5 × 7 हो गया, है ना। ये तो हम बचपन से करते आ रहे हैं और ये हो गया। देखो अभी दूसरे वाला में इसको भी बिल्कुल इसी तरह से करने हैं। तो 156 का फैक्टर निकालते हैं, 2 7 काटेंगे तो 2 7 14 2 8 16 इसको 2 से काटेंगे 2 3 6 2 9 18 अभी इसको 3 1 3 3 3 9 अभी 13 को 13 से ही काटेंगे। तो देखो 156 का प्राइम फैक्टर कौन कौन है? 2 × 2 × 3 × 13, है ना। और बस अभी जो अभी तीसरा वाला क्वेश्चन करते हैं, इसका भी अभी निकाल लेते हैं 3 8 2 5 है ना, इसका निकालते हैं। इसको 5 से कटाएंगे तो 5 7 5 7 35 से मतलब और 3 रहेगा 3 30 देन 5 6 30 देन 5 5 25 ये हो गया। देन इसको भी 5 से कटाते हैं 5 1 5 देन 5 1 5 6 7 2 2 6 5 5 55 5 3 15 देन इसको 3 से कटाएंगे 3 5 15 3 1 3 इसको 3 1 3 3 7 21 17 तो 3 8 2 5 3 8 2 5 का फैक्टर क्या क्या हो गया? प्राइम फैक्टर कौन सा हो गया? इसका हम असेंडिंग ऑर्डर मतलब छोटा सा बड़ा क्रम में लिख लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले 3 आएगा, है ना। 3 × 3 × देन 5 × 5 × आखिर में 17, ये सारे इसका प्राइम फैक्टर। अभी चौथा वाला करते हैं तो 5 0 0 5 इसका हमें निकालना है। कर लेते हैं इसको अगर 5 से कटाएंगे तो 5 1 5 है ना, 5 1 5 0 0 5 1 5। ओके, अब इसको 1 0 0 1 को इसको किसे कटा सकते? 5 6 7 7 7 से देखते हैं 7 1 7 8 9 10 3 0 30 7 4 28 देन 2 1 2 1 7 3 21, है ना। अभी 1 4 3 को किससे कटा सकते हैं? 11 से देखते हैं 11 1 11 देन यहाँ रहेगा 3 3 3 33 11 3 33 देन ये रहा 13, है ना। तो देखो 5 0 0 5 का प्राइम फैक्टर कौन कौन से हैं? असेंडिंग ऑर्डर से, ओके, मतलब छोटा से बड़ा क्रम में 5 7 11 13, है ना। 5 7 11 × 13, है ना। तो देखो इसका फिफ्थ वाला पार्ट में क्या कहा है? 7 4 2 9, है ना। इसका भी हमें प्राइम फैक्टर निकालना है तो निकाल लेते हैं 7 4 2 9 इसको अगर हम कटाएंगे इसको किससे कटा सकते हैं? देखो ट्राई करो, सोचो किससे कटा सकते हैं 7 4 2 9 को। ओके, 7 4 2 9 को वन से तो कट जाएगा। 2 3 4 5 6 7 8 9 किससे कटा सकते हैं क्या? नहीं कटा सकते। 11 से नहीं, 13 से कटा सकते हैं कि नहीं? देखो नहीं कटा सकते हैं, 13 से बिल्कुल नहीं होगा। 17 से देखो, 17 से कटा सकते हैं कि नहीं? 17 4 68 होता है ना, तो 7 68। ओके, इस 74 नीचे 74 68 तो 6 रहेगा देन 6 2 9 देन 6 2 देन 17 देखते हैं 17 3 51 देन 2 में से 1 गए तो 1 6 में से 1 देन ये 9 नीचे आ जाएगा। देन अभी 17 में से इसको कैसे काटा सकते हैं? 17 7 जा 1 19
तो देखो इसका मतलब 17 हमारा किसमें, मतलब कैसे कट रहा है, 7 है ना, मतलब 17 हमारा 437 में इसको बिल्कुल कट आ रहा है ना, तो ये 17 में कट गया। अभी 437 ये 17 में कट सकता है क्या? नहीं कट सकता है। इसको 19 में ट्राई करते हैं, तो 19 437 को, 437 को हम 19 से कटा सकते हैं कि नहीं देखते हैं। 19 टू जा 38 फाइव 7 19 थ्री जा, हाँ 19 थ्री जा 57, तो ये क्या 19 हमारा 23 में कट रहा है ना, 437 हमारा 23 में कट रहा है, और 23 को हम 23 में से कटा देंगे। ओके तो देखो 7 4 2 9 7 4 2 9 का प्राइम फैक्टर क्या क्या है, 17 × 19 × 23 है ना, ये इसका पहला वाला क्वेश्चन था। अभी इसका सेकंड वाला क्वेश्चन करते हैं। ओके